अगर आपको भी अपने गार्डन में कलर, इनफैक्ट ब्राइट कलर्स ऐड करने हैं, तो इस प्लांट को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये है येलो कॉस्मोस और इसके पेटल्स दो लेयर में होते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। इसके डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई लव ग्रीन। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, इस कॉस्मोस के रूट्स काफ़ी अच्छे तरह से डेवलप हो चुके हैं और इसे हमने काफ़ी सावधानी से निकाला है, तो ये बिल्कुल सेफ हैं और जड़ टूटे नहीं हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कॉस्मोस का प्लांट, वो भी येलो कॉस्मोस। इसे हमने बीजों से हमने लगाया हुआ था, तो अब ये इस तरीके से थोड़े से बड़े हो गए हैं और ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए हैं अब। तो हमने सोचा कि अब इसे ट्रांसप्लांट किया जाए इस गमले में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो बीज से कॉस्मोस कैसे उगाएं, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आज है कि इसको हम दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है येलो कॉस्मोस और यहाँ पर तीन प्लांट है और ये गमला इनके लिए सफिशियंट है। और साथ ही इनमें और भी पहले के जो गेंदे के फूल हमने बीज डाले हुए थे वो यहाँ पर उग चुके हैं, सदाबहार के भी प्लांट उग चुके हैं, तो उनको हम दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम कॉस्मोस के प्लांट को रहने देंगे। और इस तरीके से कॉस्मोस का प्लांट सुंदर और हेल्दी हो जाएगा और थोड़े दिनों में अच्छे खासे अमाउंट में फ्लावर भी देने लगेगा। अभी देखिए, इसमें एक फ्लावर आ चुका था और दूसरे में ऑलरेडी दो तीन बर्ड्स हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने मिट्टी डाल दी है इनके रूट्स के ऊपर। इनके रूट्स को आपने देखा है कि अच्छे से वो डेवलप हो चुके थे, तो यहाँ पर अब हमने इसको कर दिया रेडी और ये हो चुका है अब ट्रांसप्लांट। सो फ्रेंड्स, अब ये हो गया है रेडी। और ये प्लांट पे जो मिट्टी दिख रही है फ्रेंड्स, ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, इस वजह से मिट्टी प्लांट्स के ऊपर दिखाई दे रही है। क्योंकि बारिश ऑलरेडी हो चुकी है और मिट्टी पहले से ही गीली है, इस वजह से हम बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालेंगे इसमें ताकि रूट्स को अभी राहत मिल सके। ध्यान रहे कि इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और मिट्टी में हमने ऑलरेडी 60-40 की रेशियो में गार्डन सॉइल और गोबर का खाद लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।